अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो सबको ही पसंद आती है, यानी कि आज हम लाए हैं आपके लिए चाइनीज़ डिश। उसमें से है ये चिली पोटैटो, वो भी घर में बनाकर खाएंगे। जो मन चाहेगा वो इसके अंदर डालेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको बनाना शुरू करते हैं। चिली पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये बड़े साइज़ के दो आलू हैं, जिसको मैंने पिलर से इस तरह से छील लिया है। अब हम इसको छुरी से ही काट लेते हैं। आपके पास इसका कटर है तो उसके साथ आप इसको काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको अक्सर इस तरह से बना लेती हूँ और एकदम फटाफट से ये हो भी जाता है। बिल्कुल फ्रेश आलू लेंगे तो ये बढ़िया और क्रिस्प बनेगा। और सिर्फ दो ही आलू से आप देखेंगे ये थोड़े ढेर सारे बन जाते हैं, तो बस आराम आराम से कर लें। अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक बार धो लेती हूँ काटने के बाद। ये आलू हम डाल लेते हैं इस बॉल के अंदर। मैंने ये अभी धोए हैं तो ये गीले हैं, गीले पर ही हम इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर, अरारोट कुछ भी कह सकते हैं, और क्वार्टर टीस्पून में नमक भी डाल देती हूँ। और इसको थोड़ा सा इस तरह से टॉस करते हैं। इधर भी कॉर्नफ्लावर डालते हैं, बस ये कॉर्नफ्लावर से अच्छे से कवर्ड हो जाने चाहिए। अब हम इसको हाथ से कर लेते हैं। आपके आलू थोड़े से गीले नहीं हैं जैसे हमारे थे, तो इस वक्त इसमें एक पानी का छींटा मार के फिर आप इसको इस तरह से हिला सकते हैं, लेकिन हमारे आलू गीले थे इसलिए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फ्राई होने के लिए हैं तैयार। जितने आलू हैं हम उसमें से ये आधे डाल देंगे, लेकिन आपको डालते के साथ ही इसको चलाना नहीं है, आराम आराम से इसको पकने देना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा फूड कलर डाल सकते हैं बाजार वालों की तरह, लेकिन मैंने नहीं डाला है। 4 से 5 मिनट हो गई हैं इसको, अब हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं और आराम आराम से पकने देते हैं। ये देखें, बस ऐसा कलर आने तक हमें ये फ्राई करने हैं। बहुत लाजवाब, एकदम गर्मा गर्म और एकदम से क्रिस्प। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम कर लेते हैं ये सब फ्राई। बन जाता है फटाफट। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है 5 से 6 लहसुन के जवे हैं ये डाल देते हैं। इसको थोड़ा भूरा होने देते हैं, फुल फ्लेम है तो फटाफट ही हो जाएगा। ये देखें, मैंने स्किप भी नहीं किया है और बस यही कलर हमें चाहिए। एक छोटी प्याज है, आधी शिमला मिर्च है, थोड़ा स्प्रिंग ओनियन भी है, सब साथ में डाल देते हैं। प्याज को मैं थोड़ा सेकूंगी तो ये खुल जाएगा। और बस इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस जाएगा इसमें, 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर, 1/4 कप हम इसमें टोमेटो केचप भी डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप्स में सोया सॉस की भी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। सॉस कम लगी हमें तो हम थोड़ा सा केचप और भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ये फूड कलर डाल देते हैं जिससे ये आपको दिखे बहुत बढ़िया। ये देखें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसमें डाल देते हैं ये फ्राई आलू और बस इसको सिर्फ आपको मिक्स करना है। आप इसको इस वक्त चख सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके मुताबिक नहीं है तो इसमें ऐड की जा सकती है। थोड़ा सा बस यूँ मिक्स करना है और थोड़ा सा चलाना है। और बस ये देखें, बहुत अच्छे से कोट हो गई है। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो फ्लेम को कर देते हैं बंद। हमने फ्लेम बंद कर दिया है। ज़रूर बताएं कैसी लग रही है रेसिपी। तो इसको करते हैं डिश आउट। थोड़े हरे धनिए की ज़रूरत लग रही है या फिर नहीं, तो चलो ज़रा सा डाल ही देते हैं। ज़रूर बताएं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लग रही है। ज़रूर बनाएं जायका दिल्ली 6 के तरीके से। फिर से आते हैं एक रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।